धनबाद के अधिकतर एटीएम या तो बंद मिलते हैं या फिर एटीएम में कैश नहीं रहता। जरूरी होने पर लोगों को एटीएम ढूंढने के लिए उधर उधर भटकना पड़ता है। मोहल्लों और रिंग रोड के एटीएम बंद ही मिलते हैं। एसबीआई की ओर से रात 10 बजे के बाद कई एटीएम बंद किए जाने के फैसले के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक अधिकारियों की माने तो आरबीआई के प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन लिस्ट में आने के कारण कई सरकारी और निजी बैंकों ने एटीएम बंद कर रखे हैं। कॉस्ट को कम करने के लिए आरबीआई के रेगुलेटरी ऑर्डर के बाद बैंकों की ओर से ये निर्णय लेने के कारण कई एटीएम बंद कर दिए गए हैं। एटीएम का ऑपरेशनल कॉस्ट अधिक होना भी एटीएम बंद करने के लिए एक बड़ा कारण है। अधिकारियों की माने तो एटीएम की कीमत 2 से 2.5 लाख होती है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट 4 से 5 पहुंच जाता है। और नोटबंदी के बाद करेंसी चेस्ट में कैश की कमी और आउटसोर्स एजेंसी के अधीन एटीएम में गार्ड नहीं रहने के कारण भी समय पर कैश खत्म होने की सूचना नहीं मिलने से भी एटीएम खाली रहते हैं।